जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सुक्खू सरकार के फैसलों को हाईकोर्ट में दी चुनौती, 11 जनवरी तक जवाब तलब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक लिए गए फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ए.सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार से 11 जनवरी तक जवाब तलब किया है। मोदी कैबिनेट ने 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिला की सीमा में सतलुज नदी पर प्रस्तावित 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति ने परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। परियोजना के निर्माण का काम सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपा गया है। कुलदीप सिंह पठानिया बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष। पांचवी बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में 11 बजे के बाद 3 प्रस्ताव कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए रखे गए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया को सुक्खू और जयराम ठाकुर ने आसन पर बिठाया। भरत खेड़ा को मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार, अधिसूचना जारी। आईएएस अधिकारी भरत हरबंसलाल खेड़ा को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खेड़ा प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग, गृह, विजिलेंस, GADST, सैनिक कल्याण, संसदीय मामले विभाग के साथ सलाहकार विनियामक सुधार के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में क्रामिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नाहन में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत। जिला मुख्यालय नाहन में आस्था वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आस्था स्कूल के दिव्यांग बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बच्चों को यहां प्रतिदिन विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। प्रशिक्षक किरण तोमर ने बताया कि इन बच्चों को चौगान मैदान में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें दौड़, बास्केटबॉल सहित कई खेल शामिल है। पूर्व की भाजपा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किया ठगने का काम, अब सुक्खू सरकार से पेंशन की आस। हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बीती सरकार में उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कर्मचारियों को इस सरकार से काफी उम्मीद है। कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष देवीलाल ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर रखा, जिसका उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। मनाली माल रोड पर महानाठी में एक साथ थिर की 1000 से अधिक महिलाएं। राष्ट्रीय स्तर मनाली शरदोत्सव के चौथे दिन गुरुवार को महानाठी का आयोजन हुआ। चौथे दिन कुलवी नाठी के नाम रहा। मनाली के माल रोड पर 1000 से अधिक महिलाएं कुलवी नाठी पर एक साथ थिरकी। सफेद रंग का 3 फूल वाला पट्टू, चांदी के आभूषण और लाल रंग का धातु पहनकर महिलाओं ने करीब 1 घंटे तक नाठी डाली। 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने दिया अभिभाषण। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल की हमारे प्रदेश के लोगों का लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में अटूट विश्वास है तथा समानता, ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता की भावना कूट कूट कर भरी है। विधानसभा चुनाव में यह देखा गया है कि प्रदेश के लोगों की चुनाव की स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों को सूखने से बचाने के लिए दी जरूरी सलाह। कृषि विभाग के जिला उपनिदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सूखे के चलते कई फसलें प्रभावित हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से लहसुन व गेहूं की फसल शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल को बचाने के लिए किसान अच्छा धन का इस्तेमाल करे, जिससे लंबे समय तक नमी बनी रहे। वहीं उन्होंने लहसुन की फसलों को बचाने के लिए मल्चिंग भी काफी हद तक कारगर रहती है। हिमाचल प्रदेश में इस दिन से बिगड़ेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 6 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है और 7 जनवरी से उच्च व मध्य पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। मैदानी भागों में बारिश हो सकती है।